हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पोटैटोज को इस तरह से कट कर लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टार्ची पोटैटोज हैं तो ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल पोटैटो से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम बटर ऐड कर लेंगे जिसे मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर लेंगे, और हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स को ऐड करेंगे, और इसके बाद पेरी पेरी सीजनिंग ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी सीजनिंग को ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद अपने एयर फ्रायर में इसे कुक करेंगे। इस बास्केट को वापस लगा दे देंगे। तो इस पोटैटो वेजेस के लिए इसे स्टार्ट कर लेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड लगा हुआ है और टाइम यहाँ पर 15 मिनट का लगा हुआ है, तो इसे हम 20 मिनट्स कर देते हैं। पोटैटो वेजेस के लिए टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री ही रहने देंगे और यहाँ पर हम टाइम यहाँ पर हम 20 मिनट्स का कर देते हैं। तो अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं, इतने टाइम में हमारे पोटैटो वेजेस जो है रेडी हो जाएंगे। और 10 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे पोटैटो वेजेस देख सकते हैं आधे कुक हो चुके हैं, तो बीच में इसे हम एक बार टॉस कर लेते हैं ताकि ये इवनली कुक हो जाए। और इस बास्केट को हम वापस सेट कर देते हैं, जो बचे हुए पोटैटोज हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए ताकि हमारे पोटैटो वेजेस आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। बहुत ही ईजिली इस एयर फ्रायर में आप इस पोटैटो वेजेस को बना सकते हैं।